सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि राजनेताओं को मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जजों को भी सतर्क रहने की जरूरत बताई है। दरअसल असमी लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए दर्ज की गई प्राथमिकियों के संबंध में गिरफ्तारी से संरक्षण का अनुरोध करने वाली बंगाल के एक राजनीतिक टिप्पणीकार की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताओं को मोटी चमड़ी वाला अर्थात लोगों की टिप्पणी से अप्रभावित रहने वाला होना चाहिए। बता दें कि जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने बंगाल के एक राजनीतिक टिप्पणीकार गर्ग चटर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नेताओं को मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए। आजकल पन्नों और साक्षात्कारों के संबंध में हम जजों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम उनकी बात सुनने लगेंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि गर्ग चटर्जी की ओर से पेश वरिष्ठतम अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता आशुतोष दुबे ने पीठ को बताया कि उन्होंने 2020 में ट्विटर, जो कि अब एक्स बन चुका है, पर कुछ टिप्पणियां की थी। उनके विरुद्ध असम और बंगाल में कई प्राथमिकियां दर्ज हैं, जिन्हें आगे की जांच के लिए एक साथ जोड़कर किसी तटस्थ राज्य में स्थानांतरित करने की जरूरत है। असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने चटर्जी की गिरफ्तारी का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि 19 अगस्त 2020 को याचिकाकर्ताओं ने असम के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली अपनी टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक माफी मांगी थी।